नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपग्ये। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है महा सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी के सितंबर 2021। और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं, वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की, तथा अपने सम ग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में जो कि बुध की राशि है। और यहां पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के, और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है जहाँ पर वो विराजमान है वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में, तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा अपनी नीच राशि जिस जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में, और इसी के आधार पर ही 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। अब होगी चर्चा आपके साथ जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनकी,
यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट के जो जातक हैं। तो जैसा मैं आपके चार्ट में देख पा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यवसाय के विषय में बताना चाहूँगा आपके इस माह कैसा रहेगा व्यवसाय का हालात। तो देखिए साथियों, व्यवसाय के जो हालात हैं वो नॉर्मल रहेंगे, सामान्य रहेंगे, और इसके साथ साथ भाग्य का 5 सितंबर से और माह के अंत तक आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो वह व्यक्ति के लिए बड़े से बड़े कार्य और कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं, और वो उनको आसानी से बड़े कम समय में बहुत ही आसानी से पूरा कर लेता है व्यक्ति। भाग्य का ही सारा खेल है। तो इस माह 5 सितंबर से आपको भाग्य का मिल रहा है पूरा सपोर्ट, उसका आप लें फायदा अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन यह भी नहीं भूलना है कि शनि की 7.5 का प्रभाव भी आप कुंभ लग्न के जातकों पर बना हुआ है। यही पहला चरण है, अभी शनि की जो 7.5 है उसका पहला चरण 29 अप्रैल 2022 को पूरा होगा, और उसके बाद द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण। तो शनि का, क्योंकि 7.5 का जीवन में आपके प्रभाव बना हुआ है, तो वो और आप समझ लीजिए कि शनि के प्रभाव के कारण मानसिक उलझने तो जरूर रहेंगी, और आपके खर्चे भी थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जाएंगे। इसकी बात मैं और आगे करूंगा जब आपसे धन की स्थिति के विषय में बात करूंगा, तब बताऊंगा आपको। अभी मैं व्यवसाय की बात कर लेता हूं। तो व्यवसाय में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, और भाग्य का सपोर्ट मिलने से जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें समस्याएं हैं वो भी स्वतः ही सुलझ जाएंगी, और आप आराम से ये महीना निकाल सकते हैं। थोड़ी बहुत मानसिक उलझन तो बनी रहेंगी, अगर उपाय करेंगे वो मैं बताऊंगा अंत में, तो आपके लिए ये मानसिक उलझने भी कम हो जाएंगी, वहां भी आपको सुकून मिलेगा। और लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको इस माह सितंबर के महीने में अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को बेटर साबित करने के लिए। अच्छे से मेहनत करनी है, मेहनत के द्वारा कार्य पूरे करेंगे, उधर भाग्य का भी साथ मिलेगा, तो आपका सब कुछ ट्रैक पर रहेगा। आसानी से महीना बहुत किसी बिना किसी बड़ी उलझन के निकल जाएगा। और अब आते हैं धन की स्थिति पर। तो देखिए, धन की स्थिति मैंने आपको बता दूं कि आपके धन के हालात तो इस माह सही रहेंगे, सामान्य से ऊपर है, मध्यम रहेंगे। धन आपके हाथों में, आप देखेंगे ठहराव उसका, और क्योंकि धन तो आएगा लेकिन खर्च भी अत्यधिक दिखाई दे रहे हैं, खर्च की भी जो अधिकता है वो ज़्यादा है मात्रा, उस पर आपने नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि आप नियंत्रण कर पाएंगे खर्चों पर, अनायास ही खर्चे आ जाएंगे। कुछ आपका दिमाग इन चीज़ों को लेकर के भी उलझन में रहेगा, तो अपने जहाँ तक हो सकता है खर्चों पर नियंत्रण करें। सुख सुविधाओं का लाभ इस माह भूल जाइए, बस इस माह तो अपना संघर्ष मेहनत इस पर ही जोर आपका रहना चाहिए, तो अच्छे से महीना आपका निकल जाएगा। और प्रेम संबंधों का जहाँ तक संबंध है, या विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक संबंधों के विषय में मैं बात करूं, तो देखिए इसमें मुझे कुछ ग्रहों की ओर से कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। सूर्य 16 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और जा करके वो कन्या राशि में अपने मित्र मंगल के साथ और समग्रह बुध के साथ युति बनाएंगे, और वहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, और एक दूसरा राजयोग सूर्य मंगल के साथ मिलकर के भी बनेगा। तो जब ये 16 सितंबर के बाद सूर्य इधर आएंगे, तब आपके जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर वो चाहेंगे इस अवधि में 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कि ये हम अपने इन रिलेशंस को
विवाह में कन्वर्ट कर लें, मैरिड लाइफ में, तो उनके लिए बहुत आसान समय है ये इस कार्य को करने के लिए, कर पाएंगे। या फिर अभी अभी उन्होंने शुरू किया है, उनका कहीं रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, उसमें भी मजबूती आएगी, ये समय उनके लिए हर तरीके से बेटर है। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर वो चाहेंगे तो विवाह के लिए भी ग्रहों का पूरा सहयोग प्राप्त है आपको, कर पाएंगे 16 सितंबर के बाद। और आगे बात करें पारिवारिक संबंधों के विषय में, तो देखिए माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच तो आपके जो पारिवारिक संबंध हैं उनमें थोड़ी खटास महसूस करेंगे आप, अनुभव होगा आपको इस चीज का, एक्सपीरियंस करेंगे आप। और 16 सितंबर के बाद उसमें कमी आएगी, खटास में, यानी कि संबंध नॉर्मल होना शुरू होंगे, सामान्य होंगे परिवार के सदस्यों के साथ। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप अपने बड़े भाई बहनों या अपने मित्रों की ओर ज़्यादा उम्मीद से ना देखें कि आपकी वो कोई मदद करेंगे, उन पर डिपेंड ना रहें, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। और यही छोटे भाई बहनों के विषय में भी कहना चाहता हूँ, ये माह ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर निर्भर रहें या उनसे किसी चीज़ की अपेक्षा करें, आप अपने से अपेक्षा कीजिए, जो भी कुछ करना है अपने दम पर। और ग्रह आपको इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आप कर पाएंगे अगर आपने मन बना लिया तो। अब आपसे बात करेंगे जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के। देखिए छात्र जो हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को गंभीरता से लिया तो बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति करेंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम। बाधाएं आएंगी, परेशानियां होंगी, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी मेहनत करते रहिए, बहुत सुंदर परिणाम आपको मिल जाएंगे इस माह। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, स्वर्णिम गोल्डन टाइम है बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए, बहुत अच्छा। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से आगे आप ले जा रहे हैं और ऐसे ही ले जाएंगे इस पूरे महीने। संतान की बात कर लें, संतान की ओर से भी माता पिता को जो रिजल्ट्स हैं, मैं ये बहुत पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मध्यम से ऊपर रहेंगे इस माह, मध्यम से ऊपर, जिसको हम गुड रिजल्ट्स कहते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर एवरेज निकालें तो गुड रिजल्ट्स की बात करूंगा मैं यहाँ संतान की ओर से माता पिता को। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा इस माह, कभी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, कभी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। और ऐसा तो रहेगा ही, लेकिन जब स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो आपको कहीं ऐसा भी महसूस होगा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है, इस प्रकार का भी अनुभव करेंगे। तो इसीलिए शनि जो है वो नहीं चाहते कि आपका स्वास्थ्य बेटर रहे इस माह, वो चाहते हैं स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहे, स्वास्थ्य की ओर मामला गड़बड़ी देखना चाहते हैं स्वास्थ्य को लेकर शनि महाराज। साथ ही आपके विरोधियों का भी बोलबाला शनिदेव देखना चाहते हैं कि आपके सर पे हावी रहें आपके विरोधी। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित केस चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको वे जीत नहीं चाहते कि आपको जीत मिले या फिर आपके फेवर में कोई वर्डिक्ट आए। तो इस प्रकार आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप शनि का उपाय करें। शनि की साढ़े साथी का मैंने आपको आरंभ में ही कह दिया था, और शनि की साढ़े साथी का उपाय है शनि मंदिर जाएं, हो सके तो नित प्रतिदिन जाएं। अगर आप कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं शनि देव से तो नित्य प्रतिदिन संध्या समय जाएं, शनि देव के मंदिर में हाजिरी लगाएं, माथा टेकें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पश्चिम की ओर को मुंह करके शनि के मंत्रों का जाप करें
ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला या तीन माला अवश्य करें प्रत्येक शनिवार। और सरसों का तेल का दीपक चलाकर के सरसों का तेल प्रतिमा पर चढ़ाएं, ये आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं तेल चढ़ाने का काम। बाकी दीपक जलाएं प्रतिदिन वहाँ जाके, और वहाँ जाकर के उनके मंत्रों का उच्चारण करें एक माला या तीन माला। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आपके लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए। दूसरा उपाय आपने करना है मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली जी की प्रतिमा के सामने जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाना आपके लिए बहुत आवश्यक है, यहाँ आवश्यक कह रहा हूँ मैं। चोला चढ़ाएंगे तो जितनी ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं शनिदेव उतने ही शांत होंगे। आप करिए और साथ में वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर आरती करें प्रत्येक मंगलवार। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा। ये मैंने तीन चीज़ें आपको बताई हैं, वैसे तो मंगल गुरु और शनि, ये मैंने आपको बताया है, ये आप करें निश्चित रूप से आपको हर क्षेत्र में इसका लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कुंभ लग्न के जातकों को ये राशिफल, मासिक राशिफल सितंबर का है ये 2021 का, अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।